तो उसमें क्या था, सब लोगों के एक ही कमेंट थे कि अभी बहुत मोटी हो गई, बहुत मोटी हो गई। तो मुझे भी एक मिनट लगा कि हाँ मैं बहुत मोटी हो गई हूँ। तो अभी क्या हुआ है, आज पहली बार भारती सबसे पहले रेडी हो गई। यस, और हमको अभी खिचड़ी खिला रही है। अभी यहाँ पे सीवन राम दे दोनों खेल रहे हैं क्योंकि हम एक दो दिन के बाद मिलते हैं। हाँ, तुम दोनों को कम टाइम मिलता है क्योंकि फिर से सो जाता है ना, लेकिन खेलने के लिए मॉर्निंग में टाइम नहीं रहता ज्यादा। फिर वो सो जाता है, उठता है, सो जाता है, फिर ये उठता है, यही काम। अभी थक गया, अभी वापस सो जाएगा थोड़ी देर में। अभी मैं आती हूँ एक मिनट में। अभी आज वाली बहन ये देरी से आएंगे, तो अभी मैंने और मम्मी ने मिलकर बर्तन किए सुबह सुबह जो होते हैं बहुत ज़्यादा। ये थोड़ा सा क्लीन कर दें यहाँ इसमें इतना। और यहाँ पे अभी चल रहा है काम, और पापा गए थे वॉकिंग में। आज धनिया की कटाई भी स्टार्ट हो गई है। मम्मी यहाँ पे स्पेशल स्पेशल बेर इसमें से ढूंढ रहे कुछ अलग निकाल के। राम राम, सीताराम, जय सियाराम, ओम नमो शिवाय, हर हर महादेव। ये इतने बेर निकाल में बहुत टाइम लगता है, कहाँ लगती है? ए, रात गई नहीं, सुबह हुआ। नमस्ते भाई, इस साइड क्लीनिंग कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे टमाटर है, शायद इसकी सब्जी बना सकते हैं अभी हम। और शिव को फिर सुलाना है पहले। चेरी टमेटोस है वो वहाँ पे हैं, जो बड़े वाले हैं वो यहाँ पे हैं। ये सर कल एंगेजमेंट में से आए, तो उसके बाद बहुत ज़्यादा है देखा, तो फिर कुछ वीडियो नहीं बना पाए और फिर सो गए थे। शिव को भी, शिव भी थक गया था, बस फिर शिव को सुला के ओम का होमवर्क था सब कुछ वो करके फिर सो गए थे। तो अभी टमाटर लेके आते हैं। इतने अच्छे टमाटर है ये, टेस्ट में भी, ऐसे ही खाने में भी, और सब्जी बनाने में भी इतने अच्छे। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा फ्रेश टमाटर यहाँ पे, तो वहां पे ना पोपट है, कहीं आवाज आ रही है। इसकी सब्जी अभी बनेगी, लेकिन इससे पहले शिव को भूख लगी है, कुछ चीकू भी लेके आए पापा। आज नहीं, आज ज्यादातर मेरा यही फोकस है एडिटिंग करना है, बहुत सारे वीडियो ज्यादा हो गया है। हाँ। अभी वीडियो बन रहे हैं इसका, नहीं ये फिक्स कैसा कर दिया पापा ने। शिव, ओ शिव देख रहा है वहां से भी, अभी उसको लगी है भूख। यूट्यूब चैनल है, बहुत ग्रो कर रहा था उसका भी, तो उससे देख के दूसरे लोग भी करें, वो बोल रहे थे कि शिव बहुत सारी कूंज है आ रही है। अभी अभी उड़ी है ना, तो लाइन में नहीं है, वरना वो लाइन में होती है। और ओम ना इसका बहुत ही अच्छा मुझे बात बताई एक दिन, कि कुंज होती है वो वी शेप में ही जाती है, जो आगे वाली होती है वो फ्लैप करती है, पीछे वाले ऐसे ही होता है। जब आगे वाला फ्लैप करना थक जाता है फिर वो पीछे आ जाता है, पीछे वाली कुंज आगे आ जाती है जब वो वी शेप में होते हैं तब। अभी तो वो अभी उड़े हैं, तो अभी वो शेप में नहीं है, लेकिन अब हम ऑब्जर्व करते हैं तो पता चलता है कि ओम ने जो थियोरी बताई वो सच है। अबू मेरा, मेरा तो मुझे बेर भी खाने हैं, पापा लेके आए हैं, तो इसके लिए टाइम चाहिए। और मैंने अभी चाय रखी है, सब्जी बन चुकी है, रोटी भी बन चुकी है, खीर भी रखी है, क्योंकि हमारे घर आए हैं गेस्ट। गेस्ट है मम्मी की सिस्टर, जो ऑलमोस्ट मम्मी के जैसे लगते हैं,
तो यहाँ पे है दोनों सिस्टर और दोनों बहनों का मैचिंग मैचिंग हो गया। अभी दोनों मम्मी एंड मासी दोनों बैठ के बातें करेंगे फिर खाना खाएंगे। बाहु यहाँ पे सुन रहा है। हाँ, मम्मी मासी और एक और सिस्टर थे जिसकी डेथ हो गई है। त्रण बीनो जो थी ना, हाँ, लेकिन तीन बहन थे जो जिसकी डेथ हो गई है। वो आई थिंक छोटे थे। चिंका होता तुम्हारा ओके। ये मासी सबसे छोटे तुम्हारा थी ओके। मम्मी बड़े थे फिर वो सिस्टर और ये सबसे छोटे सिस्टर। सिव सो रहा है यहाँ पे अभी। तो अभी खाना खाएंगे थोड़ी देर बाद। वो सिस्टर किसके जैसे लगते थे, मम्मी के जैसे कि आपके जैसे? हाँ, कहीं पे होगा फोटोज जो एक दूसरी सिस्टर थी उसका। यहाँ पे ना बर्ड्स है जिसको मैंने रोटी दी है, मतलब चकलियों को। यहाँ पे बर्ड्स का दुश्मन है। हाँ, इसको कहाँ पे गया? मैंने उसको गुस्सा करके अंदर रखा है। आएगा तो उड़ा दे चकलियों को बाहु। उड़ा दे मेरा शेर छोटे वाला साइज। एक रोटी अभी खाई जाएगी सब। बाहु को ना क्या हो रहा है आजकल, इसकी क्लास बहुत लोग ले रहे हैं। मैं तो लेता ही रहता हूँ। सब लेते हैं बेचारे की क्लास। लेकिन अब ना यूज्ड टू आ गया ये लाउड आवाज से। वो बदर नहीं करता इतनी। मैं जब सीरियस गुस्से होता हूँ तो थोड़ी देर वो चला जाता है, वो हो जाता है। लेकिन इसको ना हम गुस्से भी हो फिर एक बार ऐसे हाथ फेर देना प्यार से तो फिर वो उसको सब कुछ भूल जाता है। पूरा ना वो कुछ याद नहीं रखता गिले सी को। और वो तुरंत वापस चीज वो चीज वापस भी कर सकता है। वो रिपीट करता है सीधा ही, थोड़ी देर में रिपीट करेगा। अभी चकलियों की बारी है। जैसे कुछ लोग होते ना जो खाते भी नहीं, खुश रहने नहीं है, किसी और को रहने देना भी नहीं है। ऐसे वाला कर रहा है बाबू तू। बाबू अब अंदर जाओ चकलियों को खाने दो। ठीक है जाओ अंदर अंदर अंदर। हाँ गुड। अंदर अंदर किसको बोला? यहाँ पे ये अभी सब साथ में हैं। तुलसी की एक बात मैं बताना चाह रहा हूँ आप सब लोगों को, हमारे व्यूअर्स को। ये ज़्यादातर टाइम बैठने में बिताती है, ये बैठ के आराम करती है। और वही कारण है ये बहुत अच्छी मिल्क कैपेसिटी में है शायद, क्योंकि बहुत ज़्यादा आराम करती है। बहुत अच्छे से खाना खा के फिर ये आराम से बैठ जाती है। और जो दूध देने वाले पशु होते हैं गाय भैंस जो भी, वो अगर जितना भी रेस्ट करे, अच्छे से खाए और बहुत सारा आराम करे, वही उसका दूध प्रोडक्शन बढ़ाता है। और यही कारण है। और ये मैं ज़्यादातर इसको देखा ये बैठी होती है और यहाँ पे अच्छे से बैठ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जब गाय हम खुली करते हैं ना, उसका गोबर होता है, उससे क्या होता है कि ये गर्मी के टाइम में इसको ठंडक देता है नीचे से, और ठंडी के टाइम में ये गर्मी देता है। तो ये उनका खुद का गोबर है और यहीं पर घूमते रहते हैं। तो पूरी ये साथ में हम फिर एक साथ क्लियर करते हैं एक महीने या 20 दिन में। आप अभी बैठी है वहाँ पर आप लो, और उसके ऊपर मीरा खड़ी है वहाँ पे। अभी धीरे धीरे शिव सीख रहा है इसको पकड़ना, जैसे अभी बॉल को पकड़ा है। पकड़ लिया बॉल को, पकड़ लिया। यस मम्मी बोल रही है इस साइड से। अभी नई नई करनी है ना, फिर सोचाना है। ओके यहाँ पे अभी मैंने स्पेशल स्वीट लस्सी बनाई हुई है जिसमें मैंने सिर्फ अभी के लिए तो बादाम एंड किशमिश जो होती है वो ऐड किया है। इसके अलावा हम इसमें पिस्ताचिओ भी ऐड कर सकते हैं, कुछ जेली ऐड कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। रामदे के लिए भी रेडी की है अभी की जो ये स्वीट लस्सी होती है। और मैंगो लस्सी भी मैं बहुत बड़े बकेट में बनाती थी जब मैं रेस्टोरेंट में पहले काम करती थी उस टाइम पे लंदन में, तो मैंगो लस्सी सबसे ज़्यादा जाती थी, मैंगो लस्सी स्वीट लस्सी। तो क्या होता था कि बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े बकेट्स योगर्ट होते, उसमें मैंगो पल्प और शुगर डाल के मिक्स करके वो करते थे। और फर्स्ट जॉब मेरी थी वो रेस्टोरेंट में ही थी, साउथ इंडियन रेस्टोरेंट थी वहाँ पर। तो वहाँ से मुझे सारा कितने टाइप के मसाला डोसा, मैसूर मसाला डोसा, पनीर मसाला डोसा, पूरा मेन्यू याद रह गया था।
और भी बहुत सारी साउथ इंडियन चीज़ें होती थी डिश, जैसे मेंदू वड़ा, इडली, सब कुछ वहाँ से मेरी फेवरेट हो गई है। शिव ने आज पहने हैं नए कपड़े, शिव ऑलरेडी रेडी हो गया है चलने के लिए। आज डांडिया नाइट है तो खेलने के लिए शिव रेडी है। ओके, और यहाँ पे ना ये कुछ नया लिया है, स्लेट जैसा है और इसमें लिखा है क्या क्या, कौन कौन है, सबका नाम बता दो चलो जल्दी। ओके, नहीं ऐसे नहीं, नाम बोलते जाओ। अतो का नाम वीरम आता है, आई का नाम धनी है। फिर संदीप भाई, ओम शिव, फिर टीलू, तुलसी, वाधा, मीवा, अर्जुन, सूरज, आभा, बाहु, बदू, जो बदू जो बड़ी गाय है, बदू तो सेव टाइगर। ओके, कितने हैं टोटल, काउंट करो हमारे फैमिली में, ठीक है। और मासी को भी जाना है अभी, आज रुक जाओ। और मामा भी आए हुए, हाँ मैंने बताया ऑलरेडी सुबह, छोटे मामा। मम्मी के तीन सिस्टर और तीन भाई थे। हाँ मैंने बोला, वो मोही मोटी, मोही वेस्टेरियो। हाँ कहते थे, यहाँ पे पगड़ी रेडी हो रही है शिव के लिए। तो ले ये ऊपर चित्याराम बापू पगड़ी बंधी। पगड़ी बंधी ओके, कैसे लिखने वो दिखाते हैं हम, ये इजी है, ये कुछ 250 रुपए की आई है, लेकिन कभी कभी अभी मुझे ओम को सम्स करवाने या कुछ भी तो कर सकते हो। इसको डिलीट कैसे करना है, ऐसे डिलीट हो जाएगा, फिर हम कुछ भी लिख सकते हैं इसमें, है ना। कुछ भी ABCD या जो भी कुछ ड्राइंग कर सकते हैं, जैसे कुछ सम्स है, जैसे अभी देखते हो हम ये करके दिखाएगा आंसर फास्ट। हाँ जल्दी जल्दी अच्छा है ना, मारवाड़ी पगड़ी बांधे मारवाड़ी। तो अभी क्या हुआ है, आज पहली बार भारती सबसे पहले रेडी हो गई है और ओम को अभी खिचड़ी खिला रही है, क्योंकि दूर नहीं है, यहाँ पास में चामुंड माता जी का मंदिर है, 3 किलोमीटर यहाँ से, 3-4 किलोमीटर वहीं पे है सांझी, तो वहाँ जाने वाले हैं। और चाचा की लड़कियों की शादी है, मतलब जो जिसका खेत, इनका खेत हमने लिया है वो पड़ोस में यहाँ पे नए वाला, उनके घर ही है शादी, दो बेटियों की शादी है, निकलने वाले है। लेकिन पहले अभी मतलब आज से स्टार्ट हो रही है, आज हल्दी वगैरह है, तो इतने ज्यादा लोग आज नहीं होंगे, लेकिन घर घर के हैं सारे, और दांडिया खेलेंगे सारा कुछ, और कल बारातें आएगी वहाँ पे दो, और फिर आगे आगे से बढ़ेगी शादी, और आपको पूरी शादी हम दिखाएंगे रस्में जो भी होती है, इसके बाद एक जो भी हमसे, हाँ क्योंकि शिव है साथ में, शिव है और दोनों शादियाँ भी साथ में। और ये मुझे इतनी अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन रामदेव ने उसने खोली, रामदेव बोले नहीं ये पैक कर दो सीधा का सीधा, तो मुझे इतना ये अच्छा दुकान से लाए तभी मैंने देखी और मुझे पसंद आ गई, तो मैंने ले ली और अच्छी लग रही है तुम पे। हाँ क्योंकि मुझे थोड़ी सी सिंपल लग रही थी, लेकिन कभी कभार सिंपल भी अच्छा लगता है, सिंपल चीजें अच्छी लगती है, सिंपल चीजों को नहीं छोड़ना चाहिए, लाइक मी। और रामदेव ने भी अभी दिखाएंगे आपको, येलो येलो मुझे तुमने येलो टी शर्ट दे दिया, मैंने पहन लिया। क्योंकि वैसे तो मैचिंग होता नहीं है तो हो जाता, अभी ओम को रेडी होना है जल्दी जल्दी। और दूसरी एक बात कि एक दिन हम ना विराज बहन की एंगेजमेंट में गए थे ना, हमारे बहुत सारे फैंस मिले, हमारे जो कि आपने देखा एंगेजमेंट का वीडियो ऑलरेडी। हाँ तो उसमें क्या था, सब लोगों के एक ही कमेंट थे कि अभी बहुत मोटी हो गई, बहुत मोटी हो गई, तो मुझे भी एक मिनट लगा कि हाँ मैं बहुत मोटी हो गई हूँ, लेकिन अभी मैं तो वो तो है, वो तो रहना है थोड़े टाइम, सबको पता है कभी, शिव को 3 महीने हुए, 3.5 महीने तो जैसे 10 का हो जाएगा, तुम छोटी हो जाओगी मोटी में से। नहीं हाँ मैं बैक टू नॉर्मल हो जाऊंगी, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि वजन ज्यादा होता है ना, थकान लगती है बहुत ज्यादा, इसका डिसएडवांटेज भी होते हैं, लेकिन अभी क्या है, ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही हूँ तो उस पर ध्यान नहीं दे रही हूँ, खाना कम नहीं करना है, अच्छे से खाना है, जैसे मक्खन एंड खिचड़ी अभी ओम खा रहा है। जल्दी अभी मम्मी रेडी हो जाए फिर हम
निकलेंगे सब, शिव को वहाँ पे सुला देंगे ना जी। तो यहाँ पे है कुंज, ये मैंने 9x में कहा था वीडियो शूटिंग। तो यहाँ पे है बाहु, वहाँ पर एक मोर भी है। वो मोर तो हमारे टीम में रहता है, है ना? तो घर इसका है वहाँ। और यहाँ पे सब कुंज है। थ्री जूम कर लो, 9 जूम तो है। ओके, सब बंद कर दो। साइड में जो साइड में यूनिट लगती है कि एक पहाड़ी।